फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी का फाइनल मैच फ्रांस और इटली के बीच में हो रहा था। एक्स्ट्रा टाइम के 110 मिनट में फ्रेंच कैप्टन जिदान ने इटालियन डिफेंडर मार्को मातराजी के चेस्ट पे उनके सर से मार दिया। इमीडिएटली रेफरी जिदान को रेड कार्ड दिखा के बाहर करते हैं। इस एक इंसिडेंट से पूरा वर्ल्ड शॉक पे था। इस एक रेड कार्ड ने फाइनल का स्टोरी बदल के रख दिया था। इटली उस दिन वर्ल्ड कप लिफ्ट करता है फ्रांस को 5-3 पेनल्टी में हरा के। लेकिन जिदान वर्ल्ड कप के पहले प्लेयर नहीं थे जिन्हें रेड कार्ड दिखाया गया। आइए जानते हैं इस पावरफुल रेड कार्ड की डिजाइन स्टोरी। '1930 वर्ल्ड कप का दूसरा दिन, पुरुवियन प्लासिडो गलिंडो को रोमानिया के अगेंस्ट मैच से बाहर किया जाता है, लेकिन तब तक फुटबॉल में रेड कार्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। 1966 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन कैप्टन एंटोनियो रैटिन को बाहर किया जाता है इंग्लैंड के अगेंस्ट। जर्मन रेफरी रूडोल्फ क्रेटलाइन ये समझ नहीं पाते रैटिन स्पेनिश में उनसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ रैटिन इंटरप्रेटर की मांग कर रहे थे, शायद रेफरी गलत समझ के रैटिन को मैच से बाहर करते हैं। रैटिन अगले 9 मिनट तक मैच से बाहर नहीं होना चाहते। एंड में इंग्लिश पुलिस रैटिन को एस्कॉर्ट करके बाहर ले जाते हैं। रेफरी केन एस्टन को ये कम्युनिकेशन इशू काफ़ी दिनों से खटक रहा था। वो इन दिनों फीफा रेफरी कमेटी के मेंबर थे। एक दिन ड्राइव करते हुए ट्रैफिक सिग्नल देख के उनको एक आइडिया आता है। येलो मतलब वार्निंग, रेड मतलब सेंड ऑफ। वो ये आइडिया अपने वाइफ हिल्डा से डिस्कस करते हैं और हिल्डा रेड और येलो पेपर काट के दो कार्ड बनाती है और इसी तरह रेड और येलो कार्ड फुटबॉल को मिलता है। फुटबॉल में रेड कार्ड का मतलब है जिस प्लेयर को वो दिखाया जाएगा वो इमीडिएटली मैच से बाहर हो जाएगा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। टीम को बाकी मैच एक प्लेयर कम से खेलना होगा। फीफा लॉ 12 में किन कारणों से एक प्लेयर रेड कार्ड देख सकता है ये डिफाइन किया हुआ है। 1970 में पहली बार इन कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उस वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर को ये कार्ड्स नहीं देखना पड़ा। लेकिन 1974 वर्ल्ड कप में 5 रेड कार्ड दिखाए जाते हैं। चिलियन फॉरवर्ड कार्लोस क्रिस्टी को पहली बार इस तरह रेड कार्ड दिखा के बाहर किया जाता है। वो 24th प्लेयर थे जिन्हें वर्ल्ड कप फुटबॉल से बाहर किया गया, लेकिन पहले प्लेयर थे जिन्हें रेड कार्ड दिखा के बाहर किया गया। 1992 में रेड और येलो कार्ड को मैंडेटरी किया जाता है फुटबॉल में, और इस तरह दो पावरफुल कार्ड से एक फुटबॉल मैच का रिजल्ट बदल सकता है। 2006 में जिनेदिन जिदान 118th प्लेयर बने जिन्हें वर्ल्ड कप में रेड कार्ड दिखाया गया।